आज हम बनाएंगे मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार। उसके लिए पहले क्या लेंगे बताते हैं आपको। सबसे पहले लेंगे मेथी, थोड़ी सी मेथी, सौंफ, ये हरा धनिया और जीरा, थोड़ी सी अजवाइन। इसको रोस्ट कर लेंगे सबको साथ में, ठीक है। रोस्ट करते हैं अपन, हल्का हल्का इसको रोस्ट करेंगे सब चीजों को। क्वांटिटी क्वांटिटी अपने हिसाब से, हरी मिर्च के हिसाब से ही क्वांटिटी ले लो। जितनी आपकी हरी मिर्च है उसके हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी सा ये ऐड कर लीजिए। इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लें सब चीजों को। उसके बाद हमको क्या करना है कि मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इसका थोड़ी सा दरदरा रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। तो अपन पहले हल्का सा रोस्ट हो गया ये, और इसको करेंगे अपन, इसको खलबट्टे का यूज करेंगे, मिक्सी का यूज नहीं करेंगे। एक मिनट, पीछे हटो, पीछे हटो, इसको हटाओ। खलबट्टे का यूज करते हैं, पहले के जमाने वाले खलबट्टे तो अब रह नहीं गए, ये वो लोहे के आते थे, अब तो यही खलबट्टा चल रहा है, इसी से काम करना है। तो इसको पूरा इसमें मिला देते हैं, और थोड़ी सी ये मार्केट में ये वाली राई आती है, उसको भी थोड़ी सा रोस्ट कर लेते हैं। ये मार्केट में मिल जाती है, ये शॉप में, किसी भी शॉप में मिल जाती है किराने की ये वाली राई, और ये अचार में बहुत अच्छी रहती है। येलो, ये मार्केट में कहीं भी मिल जाती है ये वाली राई, तो ठीक है। इसको अब चलिए, अब इसको अपन क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं ऐसे ऐसे। ये ज्यादा पिस जाता है ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता। हल्का हल्का रोस्ट हो जाता है तभी, ये जब मुंह में आता है ना तभी अच्छा लगता है। ये ऊपर करो, ज्यादा नीचे। आज मैं अपना पहला वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आराम से कर लेते हैं। जब ये अच्छा सा रोस्ट हो जाता है ना तो पीसने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम ना इसको क्या किए कि पहले रोस्ट किए, फिर उसके बाद इससे बहुत बारीक बारीक ऐसे ऐसे करके पीस दिए इसको। अब उसके बाद फिर हम, जब ये पूरा अच्छे से वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है सारा सब कुछ, फिर उसके बाद हम क्या क्या करेंगे कि इसमें सरसों का तेल डालेंगे, गरम करेंगे इसमें। सरसों का तेल डाल के गरम करेंगे,
लगभग 2-3 स्पून होगा ये, क्योंकि अपनी मिर्ची भी ज़्यादा नहीं है ना, मिर्च के हिसाब से हम तेल ऐड करेंगे। फिर जब तेल ही गर्म होने लगता है उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सा, इसमें हम डालेंगे ये हींग, हींग डाल देते हैं। हींग के बाद डालेंगे हम थोड़ी सा ये, डालेंगे हम हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, हाफ टी स्पून, ठीक है। उसके बाद हम ये जो मसाला होता है इसको हम तेल को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद हम ये हरी मिर्च जो रखी थी अपनी वो सब मिला देंगे इसको गरम गरम में। इससे क्या होगा कि हमारी जो मिर्च है वो भी तल जाएगी और ये मसाला भी सारा, ये देखिए इतना बढ़िया ये मिर्च का अचार रहता है ना ठंडियों में, तो बहुत अच्छा। वैसे भी हरी मिर्च फायदा ही करती है, लाल पाउडर मिर्च वाला ना खा के ये हरी मिर्च खाओ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना बढ़िया से ये हरी मिर्च का अचार अपना रेडी हो रहा है। अब इसमें थोड़ी सा क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सा, आपके पास अगर अमचूर पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी सा सिरका मिला देंगे खट्टेपन के लिए, टेस्टी लगता है वो। हल्दी पाउडर थोड़ी सा और डाल देते हैं, इसमें थोड़ी सा कम लग रहा है, हल्दी पाउडर थोड़ी सा और मिला दें, इसमें थोड़ी सा कलर अच्छा आएगा। उसके बाद हम थोड़ी सा मिलाते हैं रेड चिली पाउडर, कश्मीरी कश्मीरी मिर्च, ये तेज नहीं रहती है, सिर्फ कलर के लिए रहती है, इसमें ना कलर अच्छा आता है इससे। कलर बहुत अच्छा आता है। फिर ये जो हमने किया था अपनी ये येलो वाली राई, इसको मिला देंगे तो ये देखने में ना येलो येलो लगती है बहुत अच्छा, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है इसका। ये देखो गाइस कितनी बढ़िया हरी मिर्च का अचार अपना रेडी हो गया है। इसमें अपन थोड़ी सा क्या मिलाएंगे, थोड़ी सा अपन मिलाएंगे सिरका, इससे क्या होगा इसमें खट्टापन आएगा और बहुत टेस्टी लगेगा ये। प्लीज़ आप लोग भी बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है खाने के साथ ना, ये एक हरी मिर्च का टुकड़ा ऐसे लो और खाओ, बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को थोड़ी सा ये देखिए विनेगर है, ये सिरका में डाल के जाती हूँ, ये देखिए ये मैंने, ये देखिए बस, इससे ना क्या होगा कि ये सिरका है
ये नींबू हो तो ठीक है, नींबू हो तो फिर इसको डालने की जरूरत नहीं होती, अमचूर भी डाल सकते हो, नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन इसको डाल दो तो थोड़ी सा खट्टापन टेस्ट टेस्ट थोड़ी अच्छा आता है। ये बन के तैयार हो गया है हरी मिर्च का अचार। अब जब ये थोड़ी सा ठंडा हो जाए फिर आप इसको एक जार में रख सकते हैं। जब ये बन के रेडी हो जाए तो फिर आप ऐसे किसी भी जार में आप रख सकते हैं इसको, कांच के जार में, और फिर ये 1 महीने तक आराम से चलेगा आपका अचार, आप आराम से खाते रहिए गाइस। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।